हेलो गाइज वेलकम बैक अगेन टूडे विल लर्न सम मोर न्यू इंग्लिश सेंटेंसेज एंड वर्ड्स अल्सो विच आर यूज इन अवर डे टू डे लाइफ सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स हैव लुक एक किताब उसे पकड़ा दो हैंड ओवर दिस बुक टू हिम हैंड ओवर दिस बुक टू हिम उसने मेरी सामान उठाने में मदद की ही हेल्प्ड मी क्योरी द लगीज ही हेल्प्ड मी क्योरी द लगीज अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा से बैंक कितनी दूर है हाउ फार इज द बैंक हाउ फार इज द बैंक अगला सेंटेंस है आज बाहर खाना खाना कैसा रहेगा हाउ अबाउट ईटिंग आउट टूडे हाउ अबाउट ईटिंग आउट टूडे ईट आउट का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं बाहर जाकर खाना खाना अगला सेंटेंस है आप कौन से पद पर हैं दैट मीन्स कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा हो अगर आपको पूछना हो कि आप उस कंपनी में कौन से पद पर हो कौन सी पोजीशन पे हो या फिर आपकी डेजिग्नेशन क्या है तो आप उनको पूछ सकते हो कि वॉट पोस्ट डू यू होल्ड वॉट पोस्ट डू यू होल्ड अगला सेंटेंस है वह बहुत चेपू है ही इज़ वेरी स्टिकी ही इज़ वेरी स्टिकी आपको कौन जगाता है दैट मीन्स आपको सुबह कौन जगाता है मम्मी जगाती है पापा जगाते हैं या फिर सिस्टर या ब्रदर जगाता है तो इसे हम कुछ ऐसा पूछेंगे हु वेक्स यू यू अप मैंने ए मजबूरी में किया आई डी रीट अंडर कंपल्शन आई डी रीट अंडर कंपल्शन कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी या फिर अनिवार्यता विवशता ए मेरे संबंधी है दैट मीन्स ए मेरे सगे संबंधी है They are my relatives. They are my relatives. वो पैसों के लिए यहाँ आया। He came here for money. He came here for money. वो मुझसे पांच हजार रुपए उधार लेकर गया है। He has borrowed five thousand rupees from me. Borrow का मतलब होता है उधार लेना। He has borrowed five thousand rupees from me. पर उसने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं बट ही हैजन रिटर्न माई मनी एट बट ही हैज़ नॉट रिटर्ड माई मनी एट अगला सेंटेंस है पंखा बहुत आवाज़ करता है द फैन मेक्स टू मच नॉइज द फैन मेक्स टू मच नॉइज यहाँ कौन आया था हु हैड कम हियर हु हैड कम हियर ए पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है अगला सेंटेंस से है फ्रेंड्स से हमारा कार चलाते हुए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए फैसन यूवर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार फैशन सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार फैशन का मतलब होता है फ्रेंड्स बांधना या फिर जकड़ना आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो यू ड्राइव टू फास्ट या फिर यू ड्राइव वेरी फास्ट लेट्स मोर्न द नेक्स्ट वन मैं तुमसे नौ बजे के बाद मिलूंगा

किसी किसी को आदत होती है मुंह खोल कर सोने की तो हम इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलेंगे with हिज माउथ opened. ही sleeps with हिज माउथ opened. opened. या फिर कई लोगों को नींद में बातें करने की भी आदत होती है तो हम बोल सकते हैं ही टॉक्स इन his sleep. He टॉक्स इन his sleep. नेक्स्ट डे मैं बैंक में बैठी हूं आई एम सिटिंग इन द बैंक आई एम सिटिंग इन द बैंक अगला सेंटेंस से है फ्रेंड्स से हमारा वहाँ देखने को कुछ नहीं है या फिर वहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है देयर इज नथिंग टू सी देयर इज नथिंग टू सी वह डर से कांप रहा था ही ही ट्रिमलिंग 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 फियर फियर का मतलब होता है कांपना मामला बिगड़ गया है द मैटर हैज बिकम सीरियस द मैटर हैज बिकम सीरियस तुमने मेरा भार हल्का कर दिया यू लाइटेंट माई बर्डन यू लाइटेंट माई बर्डन भार को इंग्लिश में बर्डन बोलते हैं भुक्कड़ की तरह मत खाओ डोंट इट लाइक अ गटलर डोंट इट लाइक अ गटलर मैंने देर रात तक पढ़ाई की आई स्टडी टिल लेट नाइट आई स्टडी टिल लेट नाइट नेक्स्ट टाइम वो गुस्से में है ही इज एंग्री ही इज एंग्री अगला सेंटेंस है से फ्रेंड्स से हमारा तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड्स यू ऑलवेज ट्राई टू डिमीन मी यू ऑलवेज ट्राई टू डिमीन मी डिमीन का मतलब होता है फ्रेंड्स नीचा दिखाना या फिर अपमानित करना क्या तुम बहरे हो गए हो हैवी गॉन डेफ हैवी गॉन डेफ अलमारी को कोने में रख दीजिए प्लेस द कबड़ इन द कॉर्नर प्लेस द कबर्ड इन द कॉर्नर नेक्स्ट पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए हाउ मच मनी डिड पापा गिव यू हाउ मच मनी डिड पापा गिव यू या फिर आपको ऐसा पूछना हो कि तुमने कितने पैसे खर्च किए तो आप पूछ सकते हो कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड नेक्स्ट वन इज बाहर बैठकर इंतज़ार करो सीट outside and एंड वेट सीट and wait. एंड वेट या फिर बोलना हो कि यहाँ आकर बैठो कम एंड सीट here. कम एंड सीट here. नेक्स्ट है मुझे अब तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है आई नो लॉन्गर नीड यू आई नो लॉन्गर नीड यू नो लॉन्गर नीड का मतलब होता है अब और ज़रूरत नहीं इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप और कई तरह के ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो जैसे कि आई नो लॉन्गर नीड दिस जॉब या फिर आई नो लॉन्गर नीड दिस वर्क अगला सेंटेंस से है फ्रेंड्स हमारा आपने शायद उसका नाम सुना होगा यू मे हैव हर्ड हिज नेम यू मे हैव हर्ड हिज नेम क्या उसने हमें आते हुए देखा डिड ई सी अस कमिंग डिड ही सी अस कमिंग या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मैंने तुम्हें कहीं जाते हुए देखा तो आप बोल सकते हो आई सॉ यू गोइंग समर आई सॉ यू गोइंग समर अगला सेंटेंस से है हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा वी कॉट हिम रेड हैंडेड वी कॉट हिम रेड हैंडेड नेक्स्ट है हमें उसे काम से निकालना पड़ा या फिर जॉब से निकालना पड़ा वी हैव टू fire him फ्रॉम द जॉब इस सेंटेंस में हैड टू का यूज़ किया गया है जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि हैड टू का यूज़ किसी चीज़ की मजबूरी या फिर अनिवार्यता या फिर कंपल्शन दर्शाने के लिए होता है दैट मीन्स अगर कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो हम उसके लिए हैड टू का यूज़ करेंगे और वॉच टू का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि वॉच टू का यूज़ हम किस सिचुएशन में करते हैं लेट्स ऑन द नेक्स्ट वन उसकी मदद नहीं की जा सकी ही कुडेंट बी हेल्प्ड ही कुडेंट बी हेल्प्ड मैं अपने शब्दों से बंधा हुआ हूँ हु। आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं अपने शब्दों से बंधा हुआ था तो आप बोल सकते हो आई वॉज बाउंड बाय माई वर्ड्स या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं मेरे कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ या फिर बंधी हुई हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम बाउंड बाय माई ड्यूटी वह उसे रोज रुलाता है ही मेक्स हर cry एवरी डे ही मेक्स हर क्राई एवरी डे मुझे अंधेरे से डर लगता है तो इसे हम बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क या फिर आप आई एम स्क्योअर्ड ऑफ द डार्क आप ऐसा भी बोल सकते हो दोनों का मीनिंग सेम है अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा मैं तुम्हारे रोज के नकरों से उब गया हूँ तो इसे हम बोलेंगे आई एम फेड अप विथ योर एवरी डे ट्रेंड रम्स आई एम फेड अप विथ योर एवरी डे ट्रेंड ट्रें ट्रेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे और फेडअप विद का मतलब होता है किसी चीज़ से उग जाना या फिर बोर हो जाना या फिर पक जाना जैसे कि बोलना हो मैं तुमसे पक गया हूँ या फिर तुमसे पक गई हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम फेडअप विथ यू आई एम फेडअप विथ यू सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो इफ एज देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट And one more thing is if you are new to my channel, then please subscribe it and also press the bell icon so that you can get all my new uploads. So, guys, see you in the next video. Till then, keep watching my videos, keep practicing, keep learning.